आप लोगों ने जितना जद्दा को मिस किया है ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने मिस किया है। और पार्टियों, गुड वाली मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? गंजे व्लॉग में पहला व्लॉग आप लोगों के लिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का खुश आमदीद। और हम लोग इस टाइम तैयार होके जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि घर में नम्मो ने बनाई है ज़बरदस्त किस्म की जिंदाबाद वाली बिरयानी, अपनी ट्रेडिशनल। और हमने ये सारा सामान निकाल के बाहर रख लिया है। ये वाला सामान भैया बाबू को देना है, तो ये भी हम साथ लेके जा रहे हैं। ये वाला सामान हम वहाँ पे समंदर पे रख के आराम से बैठ के फिर बिरयानी फोड़ेंगे। तो ये वाली जो पिकनिक हो रही है जद्दा के अंदर, और इस वाले व्लॉग में वापस आने के बाद हम पहली दफ़ा कॉर्निश जद्दा जा रहे हैं, तो वो सारा कुछ आप लोगों को कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा पार्टी, मैं आ जाओ। ऐसा तैयार हो गए माशाल्लाह, तैयार हो गए। वो तो बता दें क्या बता रहे थे, ठंडा ठंडा लगता है पानी। नहाते हुए तो तेज गर्म पानी लग रहा था, मैंने मम्मा को बोला कि ना गर्म पानी कम कर दे। अभी सर्दी लगेगी बाहर, थोड़ी थोड़ी सर्दी हो रही है, हल्की हल्की हुडी रख लीजिएगा, ठीक है? मैंने हुडी रख ली और ये हैवी मोटा सूट है। बस ये अच्छा कर लिया तुमने। हाँ मामा, उमरे की थकन उतरी नहीं उतरी? नहीं भाई, बहुत डर से टांगों में। चलो आहिस्ता आहिस्ता करके उतर जाएगी। लेकिन अभी जा रहे हैं हम बिरयानी पार्टी करने समंदर पे। जद्दा कैसा लग रहा है ओवरऑल, जरा बताओ तो पार्टियों को। बहुत वीआईपी है, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? बहुत मजा आ रहा है। गार्डन गार्डन हो रही है? नहीं हो रही? दिल गार्डन गार्डन हो रही है, बड़ा बेहतरीन सा लग रही है। बस अभी ना दिन निकलते हुए तुम लोग जब समंदर पे देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। 5:11 हो रहे हैं, स्वाद आ जाएगा अभी इंशाल्लाह। क्या लाए होंगे? बिल्ली कंबल, एक तकिए पे पांच लोग कैसे बैठेंगे? और ला रही हैं तकिए हैं? क्या करती हैं तुम्हारी नम्मो ये, इतने एक तकिए कैसे लेके जा रही हैं पांच लोगों में? कल यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो वैसे तो भैया ने मम्मी बिल्कुल बसंती धुलवा के दी थी ज़बरदस्त करके, लेकिन अब गंदी हो गई फिर से, कल वल धुलवानी पड़ेगी। नहीं नहीं ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। पार्टी, हम लोग पहुँच चुके हैं कॉर्निश समंदर जिंदाबाद किस्म का, और सुबह ही सुबह का टाइम हो रहा है, 6:15 रहे, दिन निकल रहा है बिल्कुल। लेकिन हम जो है अपना जो दस्तरखान लगाया है हमने मोबाइल की लाइट में लगाया, इतना शदीद दिन नहीं हुआ है कोई। नमो बिरयानी की बतीली देख जो है वो खोलिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह। कोई जिंदाबाद खुशबू आ रही है इसकी, तो अपने लिए वीडियो बनानी है। और हमने ये सोचा है, बग्गी ने आइडिया दिया है कि हम सुफरे पर डाल के खाएंगे। ओ माशाल्लाह, माशाअल्लाह। वो ये तुम ना कमाल कर देती हो। कैसे हो रहे ना सब, भूखे भूखे ऐसे होते। मुझे जो खुशबू उठ रही है ना इसकी, बाल्टियां आ रही हैं मुंह में इस टाइम मेरे। नमो बस इनफ है आई थिंक, सादा चावल निकाल लो ऊपर से। मेरे ख्याल से सादा निकाल लिया, चलो बस इनफ है। अब बोटियां वोटियां देखो, बताओ मुझे खाना क्या सही है। नमो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिन निकल चुका है माशाल्लाह, और हमारा खाना भी हो चुका है। ओए अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया। और अपना कचरा जो है वो कहीं पे भी फेंके नहीं, उसको डस्टबिन में डालें। थैंक यू। अब हम यहाँ खड़े होकर एक्सप्लोर कर रहे हैं, पत्थर पे बैठे हुए, केकड़े, पानी, मछली। ये क्या है? ये तो वो है ऑक्टोपस, वो ऑक्टोपस कह रहा हूँ, लॉबस्टर है। हाँ, वाह, ये मैंने भी पहली दफा देखा है भाई। मैंने भी वो रहा पिंक पिंक लॉबस्टर नहीं है ये, अभी यही जिरा चल रही है इस पे कि ये लॉबस्टर है या नहीं है, लेकिन ये लॉबस्टर नहीं है। ये लॉबस्टर नहीं, एक चीज और है, वो जो गुब्बारे जैसी मछली होती है जो चिपक जाती है, गधा मच्छी जिसको कहते हैं, वो रही व्हाइट व्हाइट। नहीं नहीं, वो नॉर्मल मछली है, लेकिन ये जो अबे व्हाइट नहीं है, झिल्ली झिल्ली जैसी है। देखिए आप लोगों ने जितना जद्दा को मिस किया है ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने मिस किया है। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं जद्दा वाटर फ्रंट दोबारा से। अगेन आप लोगों को ब्लॉग में मैंने कहा था कि मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जद्दा के व्लॉग्स मिलेंगे, जद्दा के वाटर फ्रंट पे सब कुछ मिलेगा, तो मिल रहा है। और माशाल्लाह तबारकअल्लाह, ये बिंदास यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह हो रही हैं। और ये आपका भाई, हम जाएंगे आगे, वहाँ से जाके इन लोगों को समंदर दिखाएंगे जो गहरा गहरा नज़र आता है ना, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। आ जाओ। इन दोनों को बीज लग गए भाई, बाजी की तरह लग गए।
हम लोग आ चुके हैं वो पूरा पुल क्रॉस करके यहाँ पे, और यहाँ पे कितना ही खूबसूरत दिख रहा है ये समंदर, माशा अल्लाह तबारक अल्लाह। हाँ मौलवी, जबरदस्त माशाल्लाह यार, मजा आ रहा है ना बहुत ज्यादा। यहाँ तो खड़े होकर ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम शिप में है ना। कैसा लग रहा है तुम? बहुत मजा आ रहा है। ड्रीम कम ट्रू हो गया तुम्हारा तो मामा के साथ आने का। है तुबा? तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बहुत, मेरा तो ऐसा, आपको पता है कितना पसंद है मुझे समंदर। मेरा बच्चे चले यहाँ से कूद गया। लेकिन बहुत गहरा है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा है माशाल्लाह, मजा आ गया। और ये हम आ गए अपने प्यारे कॉर्निश के ट्रैक पे, जिंदाबाद किस्म के, माशा अल्लाह तबारक अल्लाह। मैंने बहुत मिस किया इसको, बेइंतहा मिस किया इस रौनक को, ये आसपास से जाती हुई खूबसूरत हसीन गाड़ियाँ और बीच में एक ये ट्रैक, माशा अल्लाह तबारक रहमान। ओए होए होए, मामा लोगों को हम पहली दफ़ा लाएँ इधर, ये सही टाइम मिल गया हमें बिल्कुल, दिनों दिन ना सुबह सुबह का टाइम, बादल भी आए हुए, इतना खूबसूरत मंज़र हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। हम लोग गए वहाँ से थे, आए वहाँ से थे, अब जाए यहाँ से रहे। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी तो नहीं लगी? बैठते थे, बातें करते थे, घूमते फिरते थे, फिर जाते, रात को आते थे 8-9 बजे, सब कुछ करते 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 ये टाइम हो जाता था। सीधे बैठे नहीं, वल्ला बहुत मजे की जगह है, रिफ्रेशिंग ना, रिफ्रेशिंग। ऐसी जगह है कि आप जितनी बार भी आओ आप बोर नहीं होंगे इस जगह से। अभी तो अफ्तारी में जब आप आएंगे ना बहुत मजा आएगा, एक सहरी में भी आएंगे, अफ्तारी में भी आएंगे। हम यहाँ पे लेटे हुए थे, हमारे सामने एक अंकल आए, वो समोली डाल रहे थे नीचे ना मछलियों को, तो यहाँ से डिसाइड नहीं हो रहा था कि उनसे अरबी में मांगो या मांगे या उर्दू में। मैंने बग्गी को बोला जाओ तुम मांग लो, वो दे देंगे, पाकिस्तानी है दूर से पता चल रहा। बग्गी उनके पास गए, उन्होंने उनको जाके वो दे दी एक पूरी थैली निकाल के समोली की, और यहाँ से आते हुए बोल रहे सलमान भाई क्या हुआ, थक गए? मैंने कहा लो माशाल्लाह पार्टियाँ थी, हम आओ डालते हैं अब। मैं तो क्रैब को डालूंगी वहाँ से। वो देखो देखो जा रहा है, ले लो तू, क्रैब को कोई जान पा नहीं है, फिर उस तक निकालेंगे। पकड़ ली क्रैब ने, पकड़ लेगा। हाँ ये क्रैब जो मैंने डाली है ना, देखते लेके जाती हूँ मछली। तो पानी में जाने का बिल्कुल दिल नहीं जा रहा। लो ना ये उठा के लेके जाएगा बगला। कौन? ये जो पत्थर पे आके बैठा है, ये तू उठा लेगा। अभी जब मछलियाँ करेगा ना वो मछली देखिए मछली पकड़ेगा रोटी के वास्ते ना। 9:15 बज रहे हैं और हम लोगों का यहाँ पे सारा कुछ हो गया, खाना खा लिया हमने, वॉक कर ली, तूबा अन्नू जाके वो आगे से वॉक करके आ गए, बग्गी ने यहाँ पे झूले झूल लिए, अब हमारा पैकअप हो रहा है, उठ रहे हैं यहाँ से और हम लोग निकल रहे हैं। एक काम है मुझे बैंक का, वो करेंगे, फिर उसके बाद एक और काम है, एक पेपर प्रिंट करवाना है वो करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम जाएंगे घर, एडिट करेंगे और आप लोगों की खिदमत भी पेश करेंगे नया व्लॉग। आ जाए जिस कदर खूबसूरत मौसम हो रहा है, उस कदर खूबसूरत चिड़ियों की और डिफरेंट परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, माशाल्लाह तबारकअल्लाह, मज़ेदार मौसम हो रहा है, मज़ेदार। बादल देखो कितने खूबसूरत आए हैं जद्दा के अंदर, हमारा प्यारा जद्दा। ये द सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक है, मैंने अपने ATM की कार्ड की पिन भूल गया था, तो मैं यहाँ पे आया हूँ ये कार्ड पिन प्रिंट करने के लिए। ऑटोमेटिकली प्रिंट करके देता है, आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालो, अकाउंट नंबर, ऑथराइजेशन कोड, फ़ोन पे कोड आता है वो डालो, आपका नया कार्ड प्रिंट होके आ जाता है। अब ये बोल रहा है 2 मिनट लगेंगे और ये यहाँ से कार्ड प्रिंट होके निकल जाएगा। कभी ये हाल है अपने कुमार दुकान पर, माशा 3, 2, 1। माशा
मुझे तो लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन हो गया। गया। हो गया भाई, हो गया। सेल्फ प्रिंट। एक्शन रिकॉर्ड करना था। ओ यार बिल्कुल डिफरेंट यार। नम्मो का क्या हाल था? नम्मो ने सर पकड़ लिया था। मैंने भी तो यही बोला था कि क्यों किया। तुमने बताया नहीं था उसको? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मेरा बहुत पहले से प्लान था कि उमरा करके गंजा होऊंगा मैं। कैसा एकदम नहीं है ना, ऊपर से कुछ लगाया नहीं है ना। नहीं, तुम्हें तुम बिल्कुल वैसी वाली हो रही हो जैसे उसने करवाया था ना साद ने जब। यार इतने अच्छे लगते तुम लोगों के बाल, मुझे महक के बाल काटे थे, मैंने रो रही थी, इतने सारे बाल काटे उसके मैंने। और जो ना आप तुम्हारे भी देख के ना एकदम मेरा हार्ट भी इतनी तेज हो गई। बाजी ने उसी तरह सर पकड़ लिया था जैसे तुमने गाड़ी में पकड़ा था ना सर। कह रही है कोई फिल्टर तो नहीं है कहीं? इधर आओ बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। इनके अब्बा तो बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ ठीक है, दर्द है पैरों में, बस बहुत मामूली सा दर्द है। साथ इधर एक चीज दिखाए, अनु मामा लोग उमरा करके आ गए माशाल्लाह, ये देखो सरप्राइज। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। गंजे हो गए अनु मामा भी गंजे हुए। हाँ ये देखो माशाल्लाह।